अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रीन फिश फ्राई की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होती है, अंदर से बहुत ही जूसी भी होती है। जिसे हमने ग्रीन मसाले से इसको फ्राई किया है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यूनिक साइज का टेस्ट होता है, तो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फिश फ्राई बनाने के लिए हमने यहाँ पर फिश को अच्छे से धो कर रख लिया है। तो यहाँ पर हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में सबसे पहले 1/2 टीस्पून नमक को ऐड कर लेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी, और साथ में 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा ही ऐड करेंगे, आगे भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो अब हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच इमली का पल्प इसमें ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इमली को भिगो लिया था, तो इसका हमने पानी निकाल कर इसको, तो इसके पानी को हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह नींबू का रस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि इसमें भी बहुत ही अच्छा खटास आता है। तो फिश को अच्छे से मसालों से कोट कर लेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से फिश के ऊपर अच्छे से लग जाए। और तब तक हम इसे यहाँ पर इसका हरा मसाला यानी कि ग्रीन मसाले को बना लेंगे। तो यहाँ पर ग्रीन मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्ची ली है और 1 कप भरकर हमने यहाँ पर कोथिंबीर यानी कि हरा धनिया इसमें ऐड कर लेंगे, और साथ में 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक टुकड़े को हमने इस तरह से कट करके रख लिया है, और 1 टीस्पून काली मिर्च को हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो हरी मिर्ची और काली मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही तीखा हो जाता है। तो आप हरी मिर्ची की क्वांटिटी भी थोड़ी कम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। ग्रीन मसाले के टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक को इसमें ऐड कर लिया है और साथ में 1/2 टीस्पून हल्दी को इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब इसका हम एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए ग्रीन मसाला हमारा बनकर तैयार है। तो बहुत ही बारीक हमने इसको पीस लिया है। तो अब इस ग्रीन मसाले को फिश के अंदर अच्छे से डालकर इसको हम मिला लेंगे और फिश के ऊपर अच्छे से इसको लगा लेंगे, दोनों तरफ से इसको अच्छे से कोट कर लेंगे मसालों से। तो यहाँ पर मसाले को लगाकर आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं फिर से मैरिनेशन के लिए, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट भी फ्राई कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसकी कोटिंग को बना लेंगे। फिश की कोटिंग के लिए हमने यहाँ पर 1 प्लेट में 4 बड़े चम्मच सूजी को लेंगे, ये बारीक वाली सूजी है, और उसी के साथ साथ 4 बड़े चम्मच चावल काटा लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सूजी और चावल काटे की कोटिंग बनकर तैयार है। तो अब यहाँ पर फिश का एक पीस लेंगे हम। तो फिश को इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे, चावल काटा और सूजी से हम इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बना कर रख लिया है। तो इसी तरह से सारे फिश के पीसेस को हम इस तरह से कोट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने तेल को ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम शालो फ्राई कर लेंगे। तो फिश के पीसेस को एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो अब इसको हम पलटेंगे नहीं, तो 1 से 2 मिनट के बाद फिश को हम यहाँ पर पलटा लेंगे। तो दोनों साइड से हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें, तो इसी फ्लेम पर फिश को फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको फिर से पलटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिश का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, यानी कि अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और निकाल कर बाकी की इसी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो दोनों तरफ से ही अच्छे से इस पर कलर आ गया है, और बाकी की बची हुई फिशेस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो गर्मा गर्म रेडी है ग्रीन फिश फ्राई की रेसिपी, साथ में नींबू और प्याज से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी होती है, और बहुत अच्छी तरीके से भी इसकी कोटिंग भी हो गई है और बाहर से एकदम से क्रिस्पी होती है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही अलग ही इसका टेस्ट होता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार से ज़रूर ट्राई करें। तो इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, कमेंट करें। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।